वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि टाइटल देख के आप लोगों को पता चल गया कि मैं आज आप लोगों के लिए कौन सा वीडियो लाऊंगी। जी हाँ, मैं बहुत ही इजी तरीके से आप लोगों के लिए डी आई वाई कंसीलर एंड बहुत ही सस्ता सिर्फ दो इंग्रेडिएंट से बनाऊंगी। बहुत ही ईजी है, 5 मिनट में बन जाता है। बाहर से कोई सामान लाने की जरूरत नहीं, जो है आपके पास अब उसी से बनाएंगे। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक बाउल चाहिए जिसमें हम उसे बनाएंगे, एक कंटेनर चाहिए जिसमें हम उसे रखेंगे, एक उस पुल की हेल्प से जिसे हम उसे मिलाएंगे। एंड आप कोई भी बीबी क्रीम हो या जो डेली वेयर में आप यूज़ करते हो वो क्रीम ले सकते हैं, मॉइस्चराइजर भी हो सकता है। और एक कॉम्पैक्ट चाहिए जो आप यूज़ करते हो, यहाँ पर मैं लोटस का यूज़ कर रही हूँ, बस इतना ही कुछ चाहिए। अगर आप चाहते हो कि उसमें थोड़ा सा ग्लोइनेस आए तो आपको कोई भी फेशियल ऑयल आप यूज़ कर सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। तो यहाँ मैं रोज़ हिप सीरम ले रही हूँ, मैं क्या करूँगी एक बाउल लूँगी उसमें थोड़ा सा ही क्रीम लूँगी। यहाँ पे मैं हिमालय का बेबी क्रीम यूज़ कर रही हूँ, ये बहुत अच्छा है, आप चाहे तो ये भी यूज़ कर सकते हैं या आप कोई भी मॉइस्चराइजर या डेली वेयर क्रीम यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे लोटस का कॉम्पैक्ट लूँगी, उसे थोड़ा सा घस घस के मिलाऊँगी, गांठ नहीं होना चाहिए ना कोई लम्स होना चाहिए, इसलिए मैं उसे थोड़ा घस घस के निकालूँगी बिल्कुल पाउडर जैसा। और यहाँ पर मैं अपना पुराना वाला कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बस अब वो आपके स्किन टोन के हिसाब से होना चाहिए। मैं थोड़ा सा लूँगी पहले, जितना मुझे ज़रूरत पड़ेगा तो मैं आगे लूँगी, थोड़ा थोड़ा लूँगी, उसे अच्छे से मिलाऊँगी, बिल्कुल लम्स नहीं होने चाहिए, अच्छे तरह से मिलाना है जिससे कि वो दोनों क्रीम एंड पाउडर जो अच्छे से तरह से मिल जाए। क्योंकि पाउडर है तो थोड़ा मिलने में टाइम लगेगा, लेकिन आप अच्छे तरह से मिलाओगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से वो मिल जाएगा, जब तक कि वो हमारे स्किन टोन के हिसाब से ना आ जाए। अच्छे से मिलाना है, आप देखेंगे बिल्कुल मार्केट जैसा लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा कि हमने इसे घर पे बनाया है, वो भी दो चीज़ों से। बहुत इजी तरीका है, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। और ये बहुत देर तक स्टे करता है, ये नहीं है कि बहुत कम समय के लिए, नहीं, बहुत अच्छे तरीके से वर्क करेगा, आप ये आगे देखेंगे। उसके बाद यहाँ मुझे थोड़ा कम लग रहा है तो मैं फिर से मिलाऊँगी थोड़ा सा कॉम्पैक्ट, थोड़ा थोड़ा सा ही मिलाना है, जैसे आपको लगे कि हाँ ये बन चुका है तो फिर नहीं मिलाना है आपको, फिर से मैं लूँगी अच्छे से मिलाऊँगी। आप यहाँ देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से मिल चुका है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा बेबी पाउडर लूँगी या कोई भी पाउडर आप ले सकते हो, थोड़ा सा ही लेना है बस, ये मैं स्किन टोन के हिसाब से बना रही हूँ तो इसलिए लूँगी और अच्छे से मिलाऊँगी एंड बस हो गया। और उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपका रेडी है। और मैं आपको स्किन पे टेस्ट करके दिखाऊंगी, बिल्कुल मार्केट जैसा वर्क करता है, बहुत ही इजी वे में मैंने आपको बताया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, आप भी ट्राई करिएगा, अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ बनाइएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको। और ये रहा बिल्कुल तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। एंड मैं इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ कैसा वर्क करता है, मैं दो जगह आपको अप्लाई करके बताऊँगी, बिल्कुल हमारे स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा, ऐसा लगेगा ही नहीं कि हमने यहाँ पे कुछ खुद से बना के लगाया है। आप इसे कोई भी मेकअप लुक कर सकते हो, बहुत अच्छी देर से, बहुत देर तक स्टे करेगा, आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छी तरह से हमारे स्किन में ये एब्जॉर्ब हो चुका है। आपको यहाँ पता नहीं चल रहा होगा, कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा है, इसलिए मैं आपको दूसरी जगह दिखाऊँगी कि ये कैसा वर्क करता है, देख सकते हैं। बहुत ही हल्का से लेना है, अच्छे से स्मच करना है और अब दोनों हाथों में देखेंगे बहुत डिफरेंट लगेगा आपको, कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप देख सकते हैं डिफरेंस दोनों हाथों में, बहुत ही अच्छा है, कम समय में बन जाता है, घर के सामानों से बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड इसे मैं क्या करूँगी, कंटेनर में डाल के रखूँगी जिससे इसे मैं कभी भी यूज़ कर सकती हूँ। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बनाया, आप चाहे तो बहुत सारा बना के रख सकते हैं, ऐसा नहीं है ख़राब हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से कंटेनर में डाल के रख लिया है। एंड ये मेरा था आज का छोटा सा वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, थैंक यू मुझे इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।